मैं कानपुर से आया हूँ और डॉक्टर अरुण जी का बहुत नाम सुना था, लोगों ने हमको बताया, तो मैं दिल्ली यहाँ पे आया हूँ और डॉक्टर साहब को दिखाया तो ये 3.5 साल लगभग पुरानी आर्मियाँ थी, दोनों साइड थी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा व्यवहार उनका है और बहुत ओबलाइज किया उन्होंने, मतलब पहचान का जो मरीज का रिश्ता होना चाहिए वो उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता है मरीज के साथ में। सो बेसिकली मेरे फादर को 4 ईयर्स से हर्निया का प्रॉब्लम था, इट वॉज ए लार्ज हर्निया और बाहर से मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आप मणिपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर अरुण भारद्वाज से मिलिए। तो मैंने उनका गूगल पे रिव्यू पढ़ा, मार्केट में वेबसाइट पे सर्च किया, इनके बारे में जाना, लेकिन जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं अच्छे ये डॉक्टर थे और ही इज़ लाइक वो अपने पेशेंट को एक फैमिली मेम्बर की तरीके से पूरा उनको केयरफुली लिसन करते हैं। बेस्ट लगता है, मतलब ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मतलब मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में आया हूँ और डॉक्टर मेरे लिए बिल्कुल न्यू हैं। सो आई एम टोटली सेटिस्फाइड और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मिस्टर हरिशंकर जी कानपुर से हमारे पास आए थे मणिपाल द्वारका में दिखाने के लिए, उन्हें राइट साइड का हर्निया था जो काफी लंबे समय से ऑलमोस्ट 4 से 5 साल से था और वो हर्निया की जो स्वेलिंग थी वो नीचे तक जा रही थी। देखने पर उन्हें लेफ्ट साइड में भी हर्निया था तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि उनकी सर्जरी होनी ज़रूरी है। उन्हें कानपुर में ओपन सर्जरी एडवाइस की गई थी कि ये लैप्रोस्कोपिकली संभव नहीं है और उसी लिए वो हमारे पास आए थे और हमने उनको आश्वासन दिया कि सर्जरी हम लैप्रोस्कोपी से करेंगे। जिस दिन उनको ऑपरेट करना था उसी दिन मॉर्निंग में वो एडमिट हुए, उनके टेस्ट कराए, उस दिन सर्जरी हुई और 24 घंटे के अंदर अगले दिन उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। छोटे छोटे कट से सर्जरी हुई, मिनिमल पेन था और जब फॉलोअप में 1 हफ्ते बाद आए तो ही इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दर्द नहीं है और कल वो कानपुर वापस जा रहे हैं। तो बेसिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है आपकी रिकवरी को फास्ट बनाती है, दर्द कम होता है और रिजल्ट्स बेटर होते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल अगर पॉसिबल है तो सर्जरी लैप्रोस्कोपी के लिए की जाए, लेकिन ज़रूरत पड़े तो ओपन कर सकते हैं और रिसेंटली हम रोबोटिक सर्जरी भी हर्निया के लिए एडवाइस कर रहे हैं अगर इफ़ इट इज़ इंडिकेटेड।